एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू आर डूइंग वेल गाइस। सो गाइस, आज मैं बनाने जा रही हूँ काला जामुन, जिसे गुलाब जामुन भी कहते हैं। तो इसी की रेसिपी मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। शुगर गाइस, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया हुआ है पनीर, ये 250 ग्राम के करीब पनीर है, इसे मैं ली हुई। इसे मैंने अच्छे से निचोड़ लिया है, फाड़ के दूध को फाड़ा था मैंने। फिर इसको इस तरह से हल्के हल्के हाथों से मसल लेना है। गाइज, आप जितना ज़्यादा इसे मसलोगे ना, उतना ही ज़्यादा सॉफ्ट आपकी जो मिठाई बनेगी। तो आपको इसके हथेली से आपको इस तरह के मसलना है। फिर आपको इसमें मैदा डाल देना है। मैंने थोड़ा सा इसमें मैदा डाला हुआ है और थोड़ा सा शुगर पाउडर डाला हुआ है मैंने, जिसको मैंने मिक्सर जार में डाल के पीस लिया था चीनी को। तो इस तरीके से डाल के आपको इसमें मिक्स कर लेना है और अच्छे से और भी हथेली से मसलना है, ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। इस तरीके से आपको मसलते जाना है। अब इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा बेकिंग सोडा, जिससे ये काफ़ी फ्लफी और सॉफ्ट बनेगा। और इस तरीके से इसमें मिक्स कर लूँगी। तो ये हमारा जो डो है वो बनके रेडी हो चुका है। तो इसे मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए रख दूँगी। उसके बाद आपको इसे हथेली की हेल्प से इस तरीके से गोल गोल सा बना लेना है। ये बिल्कुल क्रैक नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए। इस तरीके से मैंने सारे को बना लिया है, आप देख सकते हैं ये बहुत ही स्मूथ है। और इस तरीके से मैं इसे कढ़ाई में फ्राई कर लूँगी। आपको ब्राउन ही फ्राई करना है इस तरीके से। ये मैंने सारे फ्राई कर लिए हैं और यहाँ पे मैंने चीनी का शेरा बना लिया है। अब मैं सारे गुलाब जामुन को इसमें डिप कर दूँगी और थोड़ी देर के लिए इसके ढक के इसे छोड़ दूँगी, ताकि इसमें सारा अच्छे से चीनी इसमें हो जाए और ये काफ़ी अच्छे से फूल जाए। तो ये देख सकते हैं आप, मेरा गुलाब जामुन बनके हो चुका है रेडी। सो गाइज़, कैसी लगी आप लोगों को? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बना हुआ है, खाने में भी बहुत टेस्टी है ये। सो गाइज़, चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।